महाराष्ट्र में सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार शाम से शुरू हुआ ड्रामा अब भी जारी है। जहां एक तरफ बागी नेता एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की कुर्सी को हिलाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी खरी खरी सुना रहे हैं। वहीं इस बीच बागी विधायकों के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। बावजूद इसके शिंदे नई पार्टी बनाने की जुगत में है। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार शाम से शुरू हुआ ड्रामा अब भी जारी है। जहां एक तरफ बागी नेता एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की कुर्सी को हिलाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी खरी खरी सुना रहे हैं। वहीं इस बीच बागी विधायकों के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। बावजूद इसके शिंदे नई पार्टी बनाने की जुगत में है। क्या महाराष्ट्र में बचेगी उद्धव ठाकरे की कुर्सी? कैसे सरकार बचाएगी शिवसेना? ये सवाल लगातार सियासी गलियारों में उठाए जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब से अब तक सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सियासी ड्रामा और बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे अपनी नई पार्टी बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। बताया गया है कि शिंदे शिवसेना बालासाहेब ठाकरे के नाम से अपनी नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बागी विधायकों के साथ मिलकर ये तैयारी चल रही है। शिंदे पहले ही दावा कर चुके हैं कि उनके पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, जिनमें करीब 38 विधायक शिवसेना से हैं। हालांकि नियमों के हिसाब से पहले अलग गुट को मान्यता मिलनी जरूरी है, इसके बाद पार्टी के नाम और मान्यता के लिए चुनाव आयोग तक जाना होगा। अब जहां शिंदे नई शिवसेना बनाने की तैयारी में है, इस बीच शिवसेना भी चुनाव आयोग जाने की तैयारी में है। शिवसेना ने साफ कर दिया है कि बालासाहेब के नाम का इस्तेमाल शिंदे नहीं कर सकते हैं, और शिंदे की नई पार्टी में बाला साहेब का नाम आने की खबर के बाद से ही शिवसेना ने इसे चुनौती देने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ बागी विधायकों के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायक तानाजी शिंदे के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है, साथ ही उनके कारोबार को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं शिवसेना नेता संजय मोरे ने कहा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की। उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले सभी बागी विधायकों को इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना होगा। उनके कार्यालय पर भी हमला होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जुबानी लड़ाई जमीनी स्तर पर भी सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कब तक महाराष्ट्र में इस सियासी ड्रामे का अंत होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।